गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? गुड बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में सातवां पाठ, संज्ञा। ठीक है, कल हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का क्या अर्थ है, संज्ञा की परिभाषा है ना। संज्ञा क्या होता है? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, किसी के भी नाम को। वो नाम चाहे किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, लड़की लड़का, वस्तु का, स्थान का हो सकता है, या फिर किसी भाव का हो सकता है। सभी नामों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। कल हमने पढ़ा संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जब हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, किसी पुस्तक का, समाचार पत्र का, किसी जगह का है ना नाम लेते हैं, तो वो हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा, जब हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेके किसी अन्य रूप में बात करते हैं, तो वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे माँ, माँ का हम नाम नहीं ले रहे, माँ बोल रहे हैं, तो माँ से सभी माँ की जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे बाजार, फल, सब्जी, कपड़े, यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं है, केवल जाति का बोध हमें हो रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। इसका उदाहरण देखते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। राहुल, पढ़ाई पर ध्यान दो। उपर्युक्त वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान, ये सभी शब्द कुतुब मीनार तथा राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं, ये क्या हैं? ऊंचाई, डर, ये हमारे मन के भाव हैं। डर जो है हमारे मन का भाव है, ऊंचाई जो है वो ऊंचे होने का भाव है। तो ये जो भाव होते हैं, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष आदि के बारे में बताता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति, किसी जगह या किसी वस्तु के गुणों के बारे में, चाहे वो गुण हो, चाहे दोष हो, अच्छाई या बुराई के बारे में पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण। दशा, ठीक है, व्यक्ति की दशा कैसी है? उसका बचपन है, उसका बुढ़ापा है, या उसकी यौवन है। यौवन मतलब युवावस्था, जवानी। ठीक है, गुण और दोष। मिठास, आम में बहुत मिठास है। सुंदरता, इमारत की सुंदरता अतुलनीय है। वीरता, कायरता आदि, ये सब क्या है? व्यक्ति के गुण और दोष। भाव, क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं, है ना, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। कार्य, लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान आदि। ठीक है, भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता। ठीक है, भाव जो है वो केवल हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, हम अपने मन से उन भावों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम उन्हें छू सकते हैं और ना हम उन्हें देख सकते हैं। अब आप लिखिए भावों के नाम। ठीक है, अभी पीछे इतने सारे भाव बताए कि भाव हमारे मन के जो भाव होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी, ऐसे ही पांच भाव और ढूंढिए कौन से भाव होते हैं हमारे मन के अंदर, उन्हें आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, विशेष, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो और भेद स्वीकार कर लिए गए हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा।
ठीक है। मुख्य रूप से तो संज्ञा के तीन भेद हमने पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान दो संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, उसका उदाहरण देख लें। आपने चीनी क्या भाव दी? मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। उपर्युक्त वाक्यों में चीनी और दूध पदार्थ या द्रव्य की जानकारी दे रहे हैं। अब चीनी और दूध क्या है? पदार्थ हैं, ठीक है, खाने पीने के पदार्थ हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? तरल या कोई भी खाने का खाद्य पदार्थ, वो हमारा क्या है? द्रव्य। ठीक है, और कोई धातु हो सकती है। धातु क्या होती है? चांदी, सोना, पीतल, तांबा, ये सब क्या है? धातुएं हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, घी, तेल, अनाज आदि। अब दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी समूह का बोध कराने वाला शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। फूलों के गुच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उपर्युक्त वाक्यों में परिवार तथा गुच्छा शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे लोगों तथा फूलों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों में जो परिवार शब्द है, अब परिवार किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, है ना? परिवार में कम से कम 4 सदस्य होते हैं, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है, दादा, दादी, ताऊ जी, ताई जी, मम्मी, पापा, है ना? तो परिवार जो क्या है, हमें किसी समूह का बोध करा रहा है। फूलों के गुच्छे, अब फूलों का गुच्छा है तो कम से कम 6-7 फूल तो होंगे ही गुच्छे में, इससे कम तो होंगे नहीं। तो जो गुच्छा शब्द है वो हमें फूलों के समूह का बोध करा रहा है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो हमें किसी समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं तथा प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूह जो है वो किसी वस्तुओं का भी हो सकता है और प्राणियों का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है, लेकिन जो शब्द हमें किसी समूह का बोध कराता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञाओं के अन्य उदाहरण देखते हैं, छत, झुंड, समूह, भीड़, जत्था, मंडली आदि। ये शब्द क्या है? हमें किसी समूह का बोध करा रहे हैं, है ना? ये जो शब्द हैं इनमें कोई अकेला नहीं हो सकता, इनके साथ कम से कम 5, 6, 7 आदि का जमा अवश्य होंगे। ठीक है, आदि का जमा होगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं हम किन से बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से बना सकते हैं, विशेषण शब्दों से बना सकते हैं और क्रिया शब्दों से बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना देखते हैं। ये जो शब्द हैं इधर वाले, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं और इनसे हमने भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई हैं देखते हैं। जैसे दास, दास से दास्ता, दास कहते हैं गुलाम को और दास्ता कहते हैं गुलामी को। ठीक है, कारीगर, कारीगर से कारीगरी बना, ठग से ठगी, चोर से चोरी, व्यक्ति से व्यक्तित्व, माता से मातृत्व, गुरु से गुरुत्व, सज्जन से सज्जनता, पशु से पशुता, बच्चा से बचपन, तपस्वी से तप, देव से देवत्व, कवि से कवित्व, नारी से नारीत्व।
नौकर से नौकरी, मित्र से मित्रता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मनुष्य से मनुष्यता, शत्रु से शत्रुता, भाई से भाईचारा। ठीक है, तो ये जो शब्द है हमारे इधर, ये सब क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा शब्द है और उनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। अब सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, निज, निज से निजता या निजत्व, आप से आपा, अपना से अपनत्व या अपनापन, मम से ममता या ममत्व। ठीक है, निज, आप, अपना, मम, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। अब विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अब विशेषण शब्दों के द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, चतुर, चतुराई, है ना, राम बहुत चतुर है, तो ये चतुर शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, तो इस चतुर से क्या बनाया भाववाचक संज्ञा, चतुराई। श्रेष्ठ, श्रेष्ठता। शुद्ध से शुद्धता। सरल से सरलता। मोटा से मोटापा। सफेद से सफेदी। योग्य से योग्यता। अच्छा, अच्छाई। विद्वान, विद्वता। हरा, हरियाली। कठोर, कठोरता। मीठा, मिठास। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, कि विभिन्न शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। अब क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, अब क्रिया शब्दों द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जीतना, जीत, घबराना, घबराहट, मिलाना, मिलावट, चुनना, चुनाव, चढ़ना, चढ़ाई, हारना, हार, कमाना, कमाई, सजाना, सजावट, खेलना, खेल, पढ़ना, पढ़ाई, काटना, कटाई, लिखना, लिखावट या लेख, मिलना, मिलन, मेल, मिलाप, सींचना, सिंचाई, सिलना, सिलाई, धोना, धुलाई। ठीक है, ये सब हमने विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा, इसे हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आओ दोहराएं, अब हम वापस से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने पाठ में क्या सीखा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो और भेद स्वीकार किए गए, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से तथा क्रिया शब्दों से बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस चैप्टर को वापस से हम पढ़ के देखेंगे, इनको समझेंगे अच्छे से, इनकी परिभाषाएं लिखेंगे, ठीक है, और विभिन्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा अपनी नोटबुक में बनाकर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।